नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलीगुरुजी में। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा, अर्थात वो पास आउट हो जाएंगे बिना पेपर दिए हुए। ठीक है, अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट्स अपने मार्कशीट को लेकर, अपने नंबर को लेकर असंतुष्ट रहता है तो वो पुनः फॉर्म डाल सकता है, अप्लाई कर सकता है परीक्षा देने के लिए। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ साथ BTUP के लिए आज कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे भी न्यूज़ कोई आएगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ मैं लिंक के बारे में बताऊंगा वीडियो में। इसके लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अगर वीडियो को YouTube पर पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो वीडियो क्या है। यहाँ लिखा हुआ है शासक के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षाएं, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। मतलब कि जो पिछले सेमेस्टर में रिजल्ट आया होगा, जिस तरह से आपका परिणाम आया होगा, उसके आधार पर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में भेजा जा सकता है, अर्थात अंतिम वर्ष वालों को पास आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो न्यू दिल्ली देशभर के उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक होने वाली वार्षिक परीक्षाएं के बजाय इंटरनल असेसमेंट व पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं भी न लेने का फैसला लिया गया था। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। UGC इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों व 2020 सत्र में दाखिल के लिए संशोधन गाइडलाइन जारी करेगी। मतलब कि आज ही के दिन, और आज ही हो सकता है कि गाइडलाइन एक नई जारी हो, वो भी नए सत्र में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने सरकार से परीक्षा न करवाने की मांग रखी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की व UGC की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में प्रावधान दिया था कि यदि कोरोना के हालात नहीं सुधरते हैं तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। मतलब कि अगर कोरोना नहीं सही होता है, COVID-19 अगर सही नहीं होता, अंतिम वर्ष के छात्रों को भी पिछले सेमेस्टर के आधार पर नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि उनको पास आउट किया जा सकता है। फिर यह देख सकते हैं कि बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प। अंतिम वर्ष के छात्रों को अगर लगेगा कि इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के आधार पर नतीजे में उनके अंक या ग्रेड कम है तो उन्हें रिजल्ट सुधारने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोरोना के हालात ठीक होने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उनकी डिग्री व अंक तालिका में संशोधन किया जाएगा। अगस्त सितंबर से नया सत्र नहीं, मतलब कि अगस्त सितंबर से नया सत्र स्टार्ट होने वाला था, जो अब नहीं होगा। फिर कोरोना मामलों को देखते हुए अभी अगस्त सितंबर में नया सत्र शुरू नहीं होगा। UGC ने अप्रैल में पुराने और सितंबर में नए छात्रों का सत्र शुरू करने के निर्देश दिए थे, अब इसमें बदलाव होगा। नया सत्र अक्टूबर तक टल सकता है, मतलब कि जो नए छात्रों के लिए एडमिशन था वो अक्टूबर तक जा सकता है। इसी तरह से फिर बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, अर्थात BTUP के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए कल रात को एक बार लिंक अपलोड हुआ था, लिंक आया था। फिर जैसे ही फॉर्म भरना चालू किए कुछ स्टूडेंट्स के, तो फिर लिंक को हटा दिया गया, अर्थात पुनः उस लिंक को अपलोड किया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन के चलते। आज देखिए कब तक वो लिंक आता है, और जैसे वह लिंक आएगा मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो केवल 6 सेमेस्टर के लिए है, और उसको मैं भर के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे वो वेबसाइट होगा। तो इसके लिए आपको मुझसे जुड़ा रहना होगा, और आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर ऐसे ही जुड़ी कोई और भी खबर आती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं अपने वीडियो पर जरूर अपलोड करूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।